यूपी पुलिस के सिपाही भर्ती में हुए पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 17 और 18 फरवरी को हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रो उन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और जी हां, अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा करने का काम नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं और कौन कौन से खुलासे इस मामले को लेकर हुए हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। एजुटेस्ट ही वो एजेंसी थी जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा को जो है कंडक्ट किया था, लेकिन पेपर लीक और फिर कैंसिल होने के बाद अब सूचना ये मिल रही है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी तेज हो रही है। कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ की तरफ से 4 बार नोटिस दिया जा चुका है। एसटीएफ बयान दर्ज करने के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट की रिपोर्ट के बाद एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया। यूपी एसटीएफ की जांच के लिए मेरठ यूनिट विनीत आर्या को 4 बार जो है नोटिस भेज चुकी थी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की पूछताछ में विनीत आर्या नहीं पहुंचे। यही नहीं, जानकारी ये भी दी जा रही है कि एसटीएफ को बताया गया कि विनीत आर्या जो है वो अमेरिका में है। कहा जा रहा है कि एसटीएफ की जांच शुरू होते ही विनीत आर्या अमेरिका चले गए थे, तभी से वापस लौटे ही नहीं, ना ही कोई जो है पत्र का जवाब दिया। जानकारी ये भी मिल रही है कि एजुटेस्ट ने ही एग्जाम पेपर पहुंचाने के लिए नोएडा की लॉजिस्टिक कंपनी को ठेका दिया था। एजुटेस्ट के लोगों ने ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस का मुआयना किया था और फिर वेयर हाउस में रखे बॉक्स से ही राजीव नयन मिश्रा के कहने पर शुभम मंडल को बुलाया गया था और निकाला था भर्ती का पेपर। तो इस तरह से पूरा पेपर जो है लीक हो, जो कि इससे पहले इस मामले का भंडाफोड़ हो चुका था। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि सीएम योगी द्वारा की गई 6 महीने की घोषणा को पूरा होने में 40 दिन का समय बचा है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी इन परीक्षाओं के आयोजनों को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25 जून के बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की डेट को लेकर कुछ बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा इस मामले की है कि जो कंपनी है उस कंपनी को लेकर बड़े खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 24 फरवरी को रद्द कर दिया गया था ये पेपर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। सीएम ने कहा था कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी मामले में मेरठ की यूपी एसटीएफ की टीम ने जो है पूरी छानबीन करते हुए एक एक कड़ी जो है जोड़ा, किस प्रकार से पहले जो है जो पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग है उनको पकड़ा गया, फिर गैंग के ऊपर जो लोग बैठे हुए जो पूरी प्लानिंग करते हैं उनको पकड़ा गया, उनके स्थान को जो है आइडेंटिफाई किया कि कौन सी जगह पर कौन से जो है रिजॉर्ट के पास ये बैठकर अभ्यर्थियों को पेपर दे रहे थे और पहले ही क्वेश्चन पेपर बता दिया था कि ऐसा ऐसा आने वाला। उसके बाद एक एक कड़ी जब जुड़ती गई तो पता चला कि कौन जो है वहाँ पहुँचे थे, वेयर हाउस तक पहुँचे थे, जिन्होंने बक्सा जो है वो खोला था। बक्सा खोलने के बाद पूरे पेपर को जो है नोट कराया था और उसके बाद अब जो है खुलासा ये हो रहा है कि कंपनी के मालिक ही, जैसे ही यूपीएससीएफ की जांच शुरू हुई उसके बाद से ही कंपनी का मालिक जो है वो अमेरिका भाग गया, जिसके बाद वो वापस पहुंचा ही नहीं। और अब जो है मामला बेहद ही चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में बन चुका है और काफ़ी इसकी जो है चर्चा की जा रही है। बाकी तमाम ये जानकारी और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।